स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में चाचा भतीजा टेरेस गार्डन। और आपको हम दिखाने जा रहे हैं अपने टमाटर की पैदावार, और हम आज फिर टमाटर को हार्वेस्ट करेंगे। कई बार हमने टमाटर हार्वेस्ट किए हैं। ये टमाटर के हार्वेस्टिंग दिखाने का पर्पज़ हमारा ये है कि आप भी देखें कि हम एक बार पौधा लगा के उससे आप कितने बार टमाटर लेते हैं और कितना टमाटर लेते हैं। क्वान्टिटी भी देखिए कितने बार हम लेते हैं, आपका खर्चा कितने, मतलब आपके घर पे यूज़ होने में कितने दिन वो चलेगा। तो आप काफ़ी अच्छी इस बार हमारा टमाटर की पैदावार रही और हमने कई बार हार्वेस्ट किया। ये देखिए आज हम फिर हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि आपको ज़रूर दिखाएं। अभी हमने कुछ दिन पहले इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाला है। हम टमाटर की भी नए पौधे तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अब ये भी जो टमाटर की पौधे हैं पुराने हो चुके हैं, तो इनमें फूल आना लगभग ख़त्म हो रहे हैं, तो हम नया पौधा तैयार करेंगे जिसमें हम और टमाटर लगाएंगे। देखिए ये दूसरे गमलों से पूरा हमारा भरा हुआ है टमाटर से अभी भी। इससे पहले भी आपने देखा होगा हमारे 2-3 वीडियो टमाटर के हार्वेस्टिंग के, हमने सोचा एक बार हम आपको और दिखाएँ। ये देखिए लगातार हमारे टमाटर हो रहे हैं, जो भी टमाटर लाल हो जाते हैं हम उन्हें निकाल लेते हैं। देखिए कुछ पौधों पे हमने ये देखा कि जब हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला तो इस पर देखिए ये नई पत्तियां आनी शुरू हो गई हैं, नई पत्तियां और फूल भी निकल रहे हैं। पुरानी पत्तियां सूख गई थी और नई पत्तियाँ और फूल आने शुरू हो गए। तो एक बार हम फिर से कुछ दिनों बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे, और अगर इन पौधों में फिर से दोबारा नई पत्तियां और फूल आते हैं जिससे टमाटर हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। ये देखिए हमारा चेरी टमाटर, चेरी टमाटर में भी नई पत्तियां आ रही हैं। तो आप भी लिक्विड फर्टिलाइज़र का हमारा वीडियो देखें अगर आपने नहीं देखा है कि कैसे बनाते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो उसको देखें और अपने पौधों में प्रयोग करें। ये देखिए टमाटर ही टमाटर, साइज़ भी ठीक ठाक हो रहे हैं, कोई बड़े कोई छोटे। ये देखिए ये बड़ा साइज़ टमाटर है, ये देखिए उससे भी बड़ा, ये देखिए सबसे बड़ा टमाटर। सबसे ज़्यादा जो टमाटर हुए हमारे इस पौधे में हुए मित्रों, ये 24 इंच का ग्रोइंग बैग था, हमने इस पर 4 पौधे लगा रखे हैं और इसने हमें खूब टमाटर दिया है। केवल इन्हीं 4 पौधों ने हमें कम से कम 10 से 15 किलो टमाटर दिया है। तो सबसे आसान चीज़ जो है वो धनिया टमाटर आप भी अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं, और अपने घर में लगाया हुआ अपने छत पे या बालकनी में लगाया हुआ टमाटर धनिया आप खा सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई करें मित्रों। बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, आराम से हो जाने वाली चीज़ है। पौधे तैयार करने की आपको ज़रूरत है केवल, आप कभी भी या तो आप टमाटर से ही, जो घर में आपका टमाटर होता है उससे आप पौधे तैयार कर सकते हैं। बीज के द्वारा अगर आपको कहीं बीज मिलता है नर्सरी में तो उससे भी आप टमाटर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट छोटे कहीं टमाटर के पौधे ही मिले तो आप वो भी ला करके गमले में लगाइए, ग्रोइंग बैग में लगाइए, उससे भी टमाटर तैयार होंगे। और अगर आपने 4 से 5 पौधे लगा दिए तो आपकी हर वीकली नीड पूरी होती रहेगी। एक छोटा परिवार 3 से 4 लोगों का परिवार, आपके 5 पौधे, 5 से 6 पौधे आपके नीड को पूरा कर देगा। आप 1-1.5 महीने तक अपने घर के और टेरेस गार्डन या बालकनी से निकले हुए टमाटर खा करके आप 1-1.5 महीने निकाल सकते हैं, बाहर से खरीदने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। ये देखिए आपने पहले भी देखा है हमारा पॉट भर जाता था, आज भी भर गया। अभी हमारे और भी पौधे बाकी हैं जिसमें से हमें निकालना है, और देखिए अभी इसमें और टमाटर पड़े हुए हैं जो कि हम बाद में हार्वेस्ट करेंगे। और देखिए इधर भी हमारा, ये भी चेरी टमाटर की एक प्रजाति, ये देखिए हमारा एक और 24 इंच का ग्रोइंग बैग है, इसमें भी हमने एक ही पौधा लगा रखा है, ये भी इसने भी हमें खूब टमाटर दिया है। और मित्रों हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए अभी भी इसमें टमाटर हैं,
और हमने ये देखा है कि लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने से बेनिफिट मिलता है प्लांट में। अभी हम आपको और दिखाएंगे, आगे भी अपडेट देते रहेंगे। आप भी अपने पौधों में लिक्विड फर्टिलाइज़र डालें। देखिए इधर ये एक पौधा हमारा, और इसमें भी देखिए टमाटर उससे लदा हुआ आप कह सकते हैं। ये देखिए उधर पीछे से भी हम तोड़ रहे हैं, नीचे भी उधर कुछ टमाटर पके हुए हैं। ये देखिए इस पौधे से भी हमें लगभग हमें इस पौधे से आधा किलो के आसपास टमाटर प्राप्त हुआ है। और ये देखिए हमारा टमाटर का बर्तन जो है वो पूर्ण रूप से भर चुका है, मतलब 2 किलो के आसपास टमाटर हमने अभी तोड़ लिया है। अभी हमारे और 2 पौधे बाकी हैं जिससे हमें टमाटर तोड़ना है। इन दोनों में मित्रों नहीं है टमाटर, निकल रहा है अभी, देखिए ये निकल रहा है, एक मिला, उसको हम तोड़ लेते हैं। बाकी हमारा देखिए सभी नई पत्तियां आनी शुरू हो गई हैं। तो हम मिलते हैं मित्रों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हम टमाटर की दूसरी फसल तैयार कर रहे हैं, बीज से तैयार करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आप भी अपने ग्रोइंग बैग में, या इस बार हम आपको बोतल में भी टमाटर, 2 लीटर की प्लास्टिक की बोतल में भी टमाटर का पौधा लगा के दिखाएंगे। हैंग जिसको कहते हैं, हैंगिंग, आप हैंग करके उसको लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।